So hello students, so we are going to discuss some of the numericals of chapter number 2 that were of higher difficulty level. So NCERT question number 36 की हम बात करते हैं, उसमें जो required चीज़ें हैं वो मैं लिख देती हूँ. That is 100 gram of A, जिसका molar mass इन्होंने दे दिया है 140 gram per mole. ठीक है, was dissolved in 100 gram of B, जिसका मोलर मास दे दिया है 180 ग्राम पर मोल. ठीक है, तो एक 100 ग्राम ए को डिसॉल्व करा है 1000 ग्राम बी में, इन दोनों के मोलर मासेस हमारे पास है. वेपर प्रेशर ऑफ बी इन्होंने दे दिया 500 टॉर. प्रेशर को आई टोल्ड यू दैट प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट टॉर आल्सो. वेपर प्रेशर ऑफ ए आपको निकालना है एंड टोटल वेपर प्रेशर भी दे दिया है इन्होंने. वेरी इजी कर दिया है हमारे लिए. 475 टोर है टोटल वेपर प्रेशर पूरे सॉल्यूशन का. ठीक है, अब आई टोल्ड यू द अप्रोच कि कैसे करते थे. वेपर प्रेशर के कोई भी क्वेश्चन होंगे, हेनरी राउल्ट के कोई भी क्वेश्चन होंगे, व्हाट विल बी आर अप्रोच. आर अप्रोच विल बी फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स. सो पहले अगर आप एन ए के मोल्स निकालते हैं तो गिवन मास अपॉन मोलर मास दैट विल बी 100 अपॉन 140. ठीक है, इधर से नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लेंगे विच विल टर्न आउट टू बी, मैं फ्रैक्शन में लिख देती हूँ, 5/7 मोल्स. देन यू विल ट्राई टू फाइंड द मोल्स ऑफ बी दैट विल बी 1000 अपॉन 180 एंड इट विल टर्न आउट टू गिव द फ्रैक्शन ऑफ 50/9 मोल्स. राइट, ये हमारे आगे नंबर ऑफ मोल्स. देन आई टोल्ड यू द सेकंड स्टेप, ये पहला स्टेप रहता है. सेकंड स्टेप क्या रहता है, मोल फ्रैक्शन निकाल दो. मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए ऑल्सो यू नो द फॉर्मूला, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी. यहाँ एन ए एन बी दोनों अवेलेबल है तो क्या मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ. ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, दैट इज 0.114. आप निकालिए, आपका भी यही आएगा. इफ यू टॉक अबाउट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी तो वी वेरी वेल नो कि कैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल सकते हैं. अगर हम 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकल लें, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ये आता है तो हम कर लेंगे 1 माइनस 0.114. राइट, दैट विल टर्न आउट टू बी 0.886. आप चेक कर लीजिएगा, आपका भी यही आना चाहिए. पॉज करके आए हो, पहले आपने सॉल्व किया होगा उसी के बाद आप सॉल्यूशन देख रहे हैं जहां आपको डाउट लगा होगा. ठीक है, इसके बाद आपको क्या दे रखा है उन्होंने, उन्होंने आपको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी दे रखा है 500 टोर. और चलो राउल्ट लगा देते हैं. अकॉर्डिंग टू राउल्ट ने क्या बोला था, ठीक है, तो राउल्ट ने क्या बोला था, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. अब आपके पास बताओ क्या क्या चीजें हैं. आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है और आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है ना, और आपके पास वेपर प्रेशर है बी का. तो पहला अप्रोच बी की रख लेते हैं, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. इससे निकाल सकते हैं हम, ठीक है, पी बी निकाल लो. पी बी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो दे रखी 500 टॉर, टॉर में ही रहने दो, कोई कन्वर्जन की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, 0.886. ठीक है ना, यहाँ पे वैल्यू निकाल लो पी बी की. तो वैल्यू आप पॉज करके निकाल लो, इट विल टर्न आउट टू बी 443 टॉर. ऐसी कुछ आपको वैल्यू देखने को मिलेगी. अब हमें पता है डेल्टन बोल के गए थे कि टोटल प्रेशर किसके बराबर रहता है, प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी के बराबर. ये डेल्टन बोल के गए थे हमको, ठीक है, तो प्रेशर ऑफ ए प्रेशर ऑफ बी लगा दो. टोटल प्रेशर हमारे पास है ही, यहां लिख दूं, यहां कर लेते हैं चलो, कि टोटल प्रेशर हमारे पास है ही. टोटल प्रेशर कितना है, 475 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए. तो पी ए को हम क्या लिख सकते हैं, पी ए नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस, इसकी तो हमने वैल्यू निकाली ली 443 टॉर. अब आप
इसको इधर ले जाओ, माइनस कर लो, आपके पास आ जाएगा पी ए नॉट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू कहाँ है, कहाँ है, ये रही 0.114 इज इक्वल टू, इसको माइनस करो, कितना आता है 475 माइनस 443 कितना आता है देखो। और यहाँ पर आप जब ये वैल्यू जो आएगी उसको 0.114 से डिवाइड करोगे, आपके पास आ जाएगा पी ए नॉट, यही तो निकालना था, राइट? सो यू कैन नोट इट डाउन एंड पॉज द वीडियो। लेट अस प्रोसीड। अगर आप बात करते हो क्वेश्चन नंबर 31 की, तो क्वेश्चन नंबर 31 में उन्होंने आपको बोल रखा है कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट देखते हो जब आप, तो CF3COOH का बहुत ज्यादा आता है, CCl3COH का कम आता है, और CH3COH का एसिटिक एसिड का तो और भी कम आता है, ठीक है? तो इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो जब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस इट कैन प्रोड्यूस मोर आयंस इन सॉल्यूशन, ज्यादा आयंस प्रोड्यूस कर सकता है फ्लोरीन, ज्यादा अच्छे से आयनाइज कर सकता है, ठीक है, और ज्यादा
These were some of the numericals. Hope now it is understood to you.